हेलो बच्चों, आज हम मल्टीप्लिकेशन को बहुत शॉर्ट में करना सीखेंगे। आप लोगों को टेबल्स तो आते ही हैं, 2 से लेके 20 तक टेबल्स बच्चे याद कर लेते हैं, और अगर आपको 15 तक भी टेबल्स आते हैं तो देखो आज हम दो दो डिजिट की मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ये देखो 10 मल्टीप्लाई 18। अब देखो जब भी हमें 10 मल्टीप्लाई 18, यहाँ पर भी दो डिजिट है, यहाँ पर भी दो डिजिट है, तो या तो हम इसको ऐसे लिखें, देखो 10 मल्टीप्लाई 18, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। लेकिन अब मैं आपको इसका बहुत शॉर्ट मेथड बताने वाली हूँ, जो कि आप आसानी से सीधा ही सॉल्व करके कर लोगे। देखो ये नंबर है पूरा 10, इसको हमें 10 ही पढ़ना है, इसको हमें तोड़ना नहीं है। इस नंबर को हम पूरा 10 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, और इस नंबर को हम तोड़ देंगे, 1 को अलग कर देंगे और 8 को अलग कर देंगे। तो ये जो हमारा नंबर 10 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इसको तोड़ दिया, तो 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो 10 वन जा 10, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगला नंबर 8, 10 8 जा 80। लेकिन जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इनको बस सीधा जमा कर देंगे, 0 का 0, 0 8 8, और 1 का 1, तो हमारा आंसर आ गया 180। अगला देखो, इसमें भी हम 14 को पूरा नंबर लिखेंगे, और ये जो 12 है इसको बायफर्केट कर देंगे, यानी तोड़ देंगे, 1 को अलग और 2 को अलग। अब 14 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 वन जा 14। अब अगला मल्टीप्लाई करो, 14 टू जा 28। अब 28 को हम लिखेंगे यहां पर ऐसे, अब इन्हें प्लस कर दो, 8 का 8 4 और 2 6, और 1 का 1, ठीक है। अब अगला ऐसे 13, इसको हम पूरा नंबर काउंट करेंगे और इसको हम बायफर्केट कर देंगे 1 और 3 में। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 वन जा 13, और अगला नंबर क्या है, 13 3 जा। टेबल्स इसके लिए आपको 15 तक याद होने चाहिए, 13 3 जा 39, उसे हम लिखेंगे ऐसे। अभी ना फटाफट ऐड कर दो, 9 का 9 3 और 3 6 1 का 1, हमारा आंसर आ गया ये। अगला देखो, अब ये है हमारा 12 को एज इट इज लिखेंगे हम, मतलब 12 को हम बायफर्केट नहीं करेंगे, इसको हम बायफर्केट यानी तोड़ देंगे, 1 को अलग और 2 को अलग। अब पूरा जो 12 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 12 वन जा 12, हमें पता ही है। फिर 12 टू जा 24, वो यहां लिखेंगे हम ऐसे, 4 का 4 2 और 2 4 और 1 का 1, हमारा आंसर आ गया 144। देखो कितनी जल्दी हो गया। ऐसे अगला 13 को हम पूरा नंबर लेंगे और इसको हम बायफर्केट कर देंगे यानी तोड़ देंगे। अब 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 वन जा 13। अब 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 13 टू जा 26। अब इसको ऐड कर दो, 6 का 6 3 और 2 5 और 1 का 1, 156 आंसर आ गया। अगला नंबर देखो 13, ये पूरा 13 रहेगा और इस नंबर को हम बायफर्केट कर देंगे 1 और 4 में। अब इस नंबर को 13 को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 13 वन जा 13। अब 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 13 4 जा 52। अब इसको ऐड कर दो, 2 का 2 5 और 3 8 और 1 का 1, हमारा आंसर आ गया 182। अगला देखो, ये नंबर है 15, इसको हम पूरा रखेंगे और इसको बायफर्केट कर देंगे 1 और 2 में, तो 15 वन जा 15। अगला नंबर है 15 टू जा 30, उसको हम यहां लिखेंगे पीछे से, एक डिजिट पीछे से लिखना है हमेशा, 0 का 0 5 और 3 8 और 1 का 1, ठीक है। अब अगला नंबर देखो, ये पूरा नंबर रहेगा 14, इसको हम बायफर्केट करेंगे, तोड़ेंगे 1 और 5 में, तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 से, 14 वन जा 14। फिर 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 14 फाइव जा 70। ठीक है, अब इनको हम सीधा ऐड कर देंगे, तो 0 का 0 7 4 11 की 1 कैरी किया 1 1 और 1 2, हमारा आंसर हो गया 210। तो बच्चों कैसे लगे आपको ये सवाल, थोड़ा इजी लगा मेथड, इसमें हमारा ब्रेन भी यूज हो रहा है। मैं ऐसे ही सवाल आपको कुछ और देती हूँ, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। बच्चों ये कुछ सवाल दिए हैं मैंने, और आप इनको अपनी कॉपी में करेंगे प्रैक्टिस, जैसे मैंने पीछे कराए हैं सेम वैसे ही आपको ये भी सवाल करने हैं।